हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेन का जो हम ई टिकट बुक करते हैं उस ई टिकट में जो हमने इंश्योरेंस लिया है उस इंश्योरेंस में नॉमिनी कैसे अपडेट करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन का ई टिकट जब बुक करते हैं तो इंश्योरेंस पे टिक मार्क तो कर देते हैं और हम उस पैसेंजर का इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन नॉमिनी को अपडेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि पैसेंजर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका क्लेम लेने में घर वालों को बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए आप जब कभी भी ई टिकट बुक करते हैं और इंश्योरेंस पर टिक मार्क करते हैं तो इंश्योरेंस लेने के बाद आप नॉमिनी को ज़रूर अपडेट कर दें, और नॉमिनी अपडेट करने के लिए आपको जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही आपको नॉमिनी को अपडेट करना पड़ेगा। हमने पहले से एक टिकट को बुक करके रखा है, उस टिकट में हम नॉमिनी को कैसे अपडेट करते हैं चलिए हम इसको सीख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में अपने उस ई टिकट को खोल लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और IRCTC का वेबसाइट ओपन करके उसमें लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने IRCTC की वेबसाइट में अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लिया है। यहाँ देखिए दिया हुआ है माई अकाउंट, इसमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है माई ट्रांजेक्शन, इसमें क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्ड टिकट हिस्ट्री, तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे आपके सामने अभी तक आपने जो भी टिकट बुक किया है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे वो सारे के सारे टिकट जो है शो हो जाएंगे। आपको जिस भी टिकट में नॉमिनी को अपडेट करना है उस टिकट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 मई 2019 का ये टिकट जो है बुक है, तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये टिकट पूरी तरह से खुल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यदि आपने इंश्योरेंस लिया है तो यहाँ देखिए इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे नॉमिनी को अपडेट करने के लिए ये जो ब्लू कलर में इंश्योरेंस कंपनी का नाम दिया गया है तो इस इंश्योरेंस कंपनी के नाम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उस इंश्योरेंस का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी, हमने जो ट्रेन का ई टिकट बुक किया था उसका देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया है और ये ट्रांजैक्शन आईडी ऑटोमेटिक इसमें फिल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जर्नी स्टार्ट, तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कैलेंडर खुल जाएगा, उसमें से आप उस टिकट का जर्नी डेट इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कैप्चा, तो इस खाली बॉक्स में इस कैप्चा को इसमें फिलअप कर दीजिए। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है सर्च, तो हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ देखिए पेज चेंज हो चुका है। हमने जो ट्रेन का ई टिकट बुक किया था दो लोगों का नाम इसमें है। यहाँ देखिए दिया गया है नाम, एज, जेंडर, पॉलिसी नंबर दिया गया है, उसके बाद यहाँ देखिए नॉमिनी का नाम है, नॉमिनी का एज है और नॉमिनी का रिलेशनशिप यहाँ पर दिया गया है। तो आप इन दोनों लोगों के लिए जिस भी नॉमिनी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस नॉमिनी का नाम इसमें फिलअप कर दीजिए। तो चलिए मैं नॉमिनी का पूरा डिटेल सही सही इसमें फिलअप कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पैसेंजर से नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है उसको आपको यहाँ पर ध्यान से इसमें फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में दिया गया है नॉमिनी मोबाइल नंबर, तो इस कॉलम में आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर दीजिए। अब देखिए नीचे में दिया गया है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को इसमें फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है सेव, तो हम क्या करेंगे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए दिया हुआ है सेव सक्सेसफुली, यानी हमने जो नॉमिनी को अपडेट किया है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उस इंश्योरेंस का बॉन्ड पेपर जो है सेव हो चुका है। यदि आप चाहें तो उस पॉलिसी का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिंट पॉलिसी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पॉलिसी जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पॉलिसी डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम ऊपर से स्लाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए पॉलिसी का बॉन्ड पेपर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इसको आप प्रिंटर से प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। इसमें पैसेंजर का नाम और प्लस पॉलिसी का पूरा डिटेल इस इंश्योरेंस के बॉन्ड पेपर में मौजूद होगा। यदि जब कभी पैसेंजर के साथ कुछ घटना हो जाता है तो आपको इस पॉलिसी के बॉन्ड पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप इस पॉलिसी को अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, या फिर आप चाहें तो प्रिंटर से इस पॉलिसी के बॉन्ड पेपर को प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी बड़ी आसानी से अपने बुक किए हुए ट्रेन के ई टिकट में जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसमें नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।